अब देखिए, यानी हमारे व्यूअर हैं, अब उन्होंने कमेंट किया है कि सर कैश अकाउंट को लेजर में कैसे कन्वर्ट करें, गणेश कुमार नाम है इनका। तो देखिए, कैश अकाउंट को लेजर में क्या कन्वर्ट करना है, टैली में यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इंटरव्यूज में जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा टैली के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग में टैली के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टैली, अब तो प्राइम आ गया है, तो प्राइम में या ईआरपी 9 में कैश का लेजर कैसे बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे उठाया जाता है, जानबूझकर पूछते हैं सब, ताकि पता चले कि आपको जानकारी है कि नहीं है। तो कैश का लेजर पहले से बना होता है, दो चीज होती है जिसका लेजर पहले से बना होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा होता है कैश, ठीक है। तो इसमें आपको बनाना नहीं पड़ता है, कन्वर्ट क्या करना है, वो तो पहले से लेजर बना हुआ है, आपको बनाना ही नहीं है। कैश का लेजर कभी नहीं बनता है, ये बात याद रखिएगा। कैसे नहीं बनता है वो दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले यहां से F3 प्रेस करते हैं नई कंपनी बनाने के लिए। तो यहां पर आए, नई कंपनी बना रहा हूं, नई कंपनी इसलिए बना रहा हूं कि कहीं आपको लगे कि कैश का लेजर मैंने बना करके रखा है, तो बनता नहीं है कैश का लेजर, पहले से बना होता है, ठीक है, आपको बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, कैश का लेजर बिल्कुल नहीं बनता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ कंपनी को कुछ नाम दे देता हूँ, लाइक मान लीजिए दे दिया मैंने राम सिंह, ये कंपनी हो गई आपकी। एंटरप्रेस कर लेते हैं, एंटरप्रेस एड्रेस वेड्रेस डाल दीजिए, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया मैंने, न्यू कॉलोनी देवरिया कर देता हूँ। तो ये देखिए, न्यू कॉलोनी देवरिया हो गया। अब एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, यहाँ पर यू प्रेस करता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए, और ये यू हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। और पिन कोड वगैरह फिल करते रहिएगा आप। एंटरप्रेस करके यहाँ आते हैं मेन मुद्दे पर। तो 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। देखिए, जब भी स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर। इंडिया के लिए जो बना हुआ है वो 1 अप्रैल से ही बना हुआ है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 कर देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपका काम कब से स्टार्ट हो रहा है, वो चीज यहां पर आएगी, तो 1 अप्रैल ही रहने देते हैं। एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। बाकी अभी जीएसटी वगैरह का भी कोई काम नहीं है, मैं केवल आपको कैश से संबंधित लेजर्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी कंट्रोल ए प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, इस विंडो का अभी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर्ड, ठीक है, अभी किसी भी वाउचर में एंट्री पास हुई नहीं है। सीधा कहां चलते हैं, परचेस वाउचर में। मैंने कोई भी लेजर नहीं बनाया है, आपके सामने है सब कुछ। अब यहां से परचेस वाउचर में जब जाएंगे तो F9 प्रेस करना होगा। देखिए, तीन को मोड आता है, देखिए तीन मोड कौन कौन से हैं। देखिए, ये दिया हुआ चेंज मोड, तो आपको कंट्रोल के साथ कौन सा बटन प्रेस करना है, एच बटन प्रेस करना है। तो कंट्रोल एच प्रेस कीजिएगा तो तीन को मोड दिखाई देगा। देखिए, लिस्ट ऑफ मोड्स ऑब्लिक यूजर्स दिखा रहा है ना। तो पहला है आइटम इनवॉइस, सबसे आसान होता है आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, दूसरा है तीसरा एज वाउचर। आपको आइटम इनवॉइस मोड में रहना है, ठीक है। अब ये आ गए, अब यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल लिया, यहां पर वो डेट आ जाएगी जिस डेट पर होगी परचेसिंग। अब देखिए, मैंने कैश का लेजर बनाया नहीं था, यहां पर ऑटोमेटिकली अपने आप आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिशन में टैली के लिए अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि कैश का लेजर कैसे बनता है, तो आप तुरंत ये जवाब देना है कि कैश का लेजर बनता नहीं है, पहले से बना हुआ होता है, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी और आप छट जाएंगे। तो देखिए, कैश लगा लिया हमने, यहाँ पे कैश कर दिया, पहले से बना हुआ है, हम कैश में क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो यूलर डीलर रखेंगे, ठीक है। इंटरफेस करते हैं, क्रेडिटर पार्टी है, यहां पर परचेस अकाउंट का लेजर बना दीजिए, ये हो गया परचेस अकाउंट, ठीक है। तो परचेस के लिए परचेस अकाउंट, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट का लेजर बनता है, और इसे ग्रुप में डाल देंगे परचेस अकाउंट के, बस हो गया, ये हो गया, और एंटरप्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये आपका काम हो गया। अब यहां पर आप एंट्री पास कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, यहां पर एक स्टॉक आइटम बनाता हूं, देखिए मैं करता हूं पाइथन बुक, ठीक है। तो ये एक स्टॉक आइटम बना लिया हमने पाइथन बुक, और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक यूनिट बना लेता हूं, लाइक मैं बना लेता हूं NOS, नंबर्स हो गया, ठीक है। और यहां पर फॉर्मल नेम नंबर्स कर देते हैं नंबर्स, ओके। और यहां पर आ जाएगा NOS, तो यहां पे देखिए NOS नंबर्स आ रहा है, और एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये यूनिट बन गया आपका, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट को ऑफ रखते हैं, अल्टरनेट यूनिट नहीं देते हम, एंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट करिए। देखिए यहाँ क्वांटिटी में आ गया, अब मान लीजिए 700 परचेज कर रहे हैं बुक, और एक बुक की कीमत है 770 रुपया पाइथन की, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये आपका काम हो गया। अब इसमें आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पेमेंट वाउचर में जाइएगा, तो आपने क्रेडिटर पार्टी तो लिया नहीं है, तो फिर यहां पर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहां पर आए, अब यहाँ पे परचेज अकाउंट है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो ड्यूज आपको दिखाई भी नहीं करेगा। तो कैश में आपने परचेज किया सीधा सीधा, तो आपको ड्यूज नहीं दिखाएगा। और ये बात याद रखिएगा कि कैश का लेजर बनता नहीं है, पहले से बना होता है, ठीक है, क्लियर है।